मैं सुदीप, आपको सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ और मेरे सारे सब्सक्राइबर को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया देता हूँ। और नया सब्सक्राइबर को मेरा बेल आइकन क्लिक करके और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के लिए अनुरोध करता हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर नरगिसी कोफ्ते। तो पनीर नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने पनीर ले लिया है। यहाँ पर है मैदा, यहाँ पर है पम्पकिन सीड्स, यहाँ पर है ब्लैक पेपर पाउडर, यहाँ पर है अमूल का बटर, यहाँ पर है सारे खड़े मसाले, काजू, किशमिश, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, और यहाँ पर है सोया चंक्स, यहाँ पर है कॉर्नफ्लावर और काजू। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं पनीर नरगिसी कोफ्ते। तो हेलो व्यूअर्स, ये हमने पनीर को ऐसे मिक्सचर मशीन में इसको पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर सोया चंक्स का भी पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर है पम्पकिन सीड्स का पेस्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पेस्ट के हमने दो भाग कर लिए हैं और अभी यहाँ पर हम लोग पहले इस भाग में किशमिश रख रहे हैं और उसमें काजू भी रखेंगे और हल्दी, नमक, लाल मिर्च मिलाएंगे इसमें। ये एग योक की तरह बनेगा। कश्मीरी मिर्च पाउडर दिया है इसमें और थोड़ा सा हल्दी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसका छोटा छोटा पार्ट्स कर रहे हैं और इसको गोल कर देंगे जितना होगा। जैसा भी गोल कर लेंगे। तो ये हमारा सारा गोल हो गया है और अभी हम दूसरा पनीर का पेस्ट से इसका ऊपर का कवरिंग बनाएंगे। और अभी हम उस पनीर के मिक्सचर में कॉर्नफ्लावर मिला रहे हैं करीब 3 चम्मच। ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया था। ऐसे मिक्स कर रहे हैं। हमने छोटा छोटा ऐसे गोल गोल कर लिया है पीसेस में और इसके अंदर में वो पहले वाला पनीर का जो राउंड शेप में बना कर रखा है उसको अंदर स्टफिंग की तरह देंगे। तो ये दिखने में पूरा अंडा की तरह लगेगा। इसको शेप भी हम अंडे की तरह ही ओवल शेप करेंगे। तो हेलो व्यूअर्स, ऐसे हमने कप की तरह बना लिया है दूसरे पनीर का इसको और इसके अंदर में ये डाल देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। और बाद में इसे मैदे के घोल और सोया चंक्स में भी करना है। पहले हम लोग इसे बना कर रख देते हैं इसे।
ऐसे एक बन गया है और दूसरा भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इसको हमने ओवल शेप दिया है अंडे की तरह। तो ऐसे बाकी दो भी कर लेंगे। अभी हम इसमें मैदे का घोल मिलाएंगे। यहाँ पर हमने 3 चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी मिलाएंगे। अब पहले इसमें नमक दे रहे हैं, ब्लैक पेपर भी देंगे इसमें। यहाँ पर आधा चम्मच ब्लैक पेपर दे रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिला के इसका घोल बनाएंगे। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया है मैदे का। और ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो इसको हम लोग सोया चंक्स बाइंडिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले एक पनीर का जो बना के रखा थे उसको डुबा रहे हैं, फिर यहाँ से सोया चंक्स में अच्छी तरीके से ऊपर का एक कोटिंग कर देंगे ताकि हर तरफ से लग जाए। फिर दोबारा घोल में डालेंगे। पहले हम लोग एक बार कोटिंग कर रहे हैं, इन सब का दोबारा भी कोटिंग करेंगे। सेकेंड टाइम इस घोल में यह कर रहे हैं। इसको डबल कोटिंग कर रहे हैं इसमें। ऐसे हर एक को डबल कोटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं। ये हमारे सारे बन गए हैं और इसको हम अभी आधा घंटा सेटिंग होने के लिए रखते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है और तेल को यहाँ पर फुल गरम करके ही इसको फ्राई करना चाहिए। और फ्लेम हमारा अभी मीडियम हाई है। इसको यहाँ से अच्छे तरीके से तल लेंगे उलट पलट करके। होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, उसको हम अभी उतार देंगे। इसके ऊपर का जो कोटिंग है वो ब्राउन हो चुका है, उसको उतार देंगे। खड़े मसाले को यहाँ फ्राई कर लेंगे। थोड़ा गोल साबुत जीरा भी दिया है थोड़ा सा। और अभी हम इसमें टमाटर पे मसाले भी मिलाएंगे। अगर हमारा अच्छा तरीके से पक चुका है और अभी हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। हल्दी, थोड़ा सा नमक दे रहे हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं।
फिर धनिया पाउडर है। हम इसमें काजू और पम्पकिन सीड्स का पेस्ट मिला रहे हैं। आप ग्रेवी अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, प्याज भी दे सकते हैं। तो इसको पकाते हैं अच्छी तरीके से। कस्तूरी मेथी दे रहे हैं क्रश करके, थोड़ा ही दे रहे हैं, और इसमें मिर्ची पाउडर। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला रहे हैं करी के लिए। तो अभी हम इसको काट के दिखा रहे हैं अंदर कैसा बना है। देखिए पूरा अंडे की तरह बना है इसे। बाद में इसको हम ग्रेवी में दे देंगे। इसमें बटर मिला रहे हैं, इससे अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। हमारा ग्रेवी तैयार है और अभी हम इसको ग्रेवी को उतार लेंगे। और नरगिस के कोफ्ते को यहाँ डाल देंगे एक एक करके। ये हमारा भेज नरगिसी कोफ्ते बनके तैयार है। मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने हमारा बनाने का प्रोसेस देखा है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू व्यूअर्स।